अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। इस लेक्चर में हम जो ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो है बाइनरी रिलेशन का। बाइनरी रिलेशन क्या होता है देखते हैं जी। डेफिनेशन है जी, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इसका मतलब नॉन एम्प्टी का मतलब है एम्प्टी ना हो, खाली सेट ना हो, एलिमेंट्स उनमें मौजूद हो। देन द सबसेट आर, सबसेट जो होगा उसको नेम दिया है आर का। ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करने के बाद जो सबसेट होगा इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब यह है कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो उनका ए क्रॉस बी करने के बाद जो हम सबसेट लेंगे उसको आर का नाम दिया है, वो बाइनरी रिलेशन कहलाएगा सेट ए से बी का बाइनरी रिलेशन। जैसे यहां पे लिखा है बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, बाइनरी रिलेशन होगा ए से बी का। इस डेफिनेशन से हमें यह पता लगता है कि ए और बी दो सेट्स हैं, इनका जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स का हम सबसेट फाइंड करेंगे। तो सबसेट जो होगा वो हमारा बाइनरी रिलेशन कहलाएगा सेट ए से सेट बी का। इसका करना क्या है, एक मैं आपको ब्रीफ मेथड बताता हूं। ए और बी दो सेट्स हैं, इनका हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ये होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद इस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट है इसका हमने फाइंड करना है सबसेट। तो जो सबसेट होगा इसको नाम दिया है आर का। तो ये आर जो होगा ये क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन किससे किस तक का, क्योंकि सेट ए और सेट बी का ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद इसका हमने सबसेट लिया है। तो ये होगा बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। ए के एलिमेंट 1 और 2 हैं, बी के 3 और 4 हैं। इसका ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है फाइंड कर चुके हैं। ए क्रॉस बी फाइंड कैसे करते हैं इससे पहले लेक्चर में, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला लेक्चर जो है उसमें अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। पहले उस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें ताकि आपको ये बाइनरी रिलेशन वाला लेक्चर जो है वो समझना आसान रहे। बाइनरी रिलेशन के लिए हमने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं जी, सबसेट फाइंड करते हैं। सबसेट फाइंड करने का जो मेथड है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसेट कैसे फाइंड करते हैं। सबसेट फाइंड करने का मेथड है जी, सबसेट कैसे फाइंड किया जाता है, 2 की पावर n। n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करता है। अब यहां पे ये एक एलिमेंट है, ये ऑर्डर्ड पेयर दूसरा एलिमेंट है, ये ऑर्डर्ड पेयर तीसरा एलिमेंट है और ये ऑर्डर्ड पेयर फोर्थ एलिमेंट है। अब इसके टोटल कितने एलिमेंट्स हुए, 4। इसका मतलब 2 की पावर 4। इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये आ जाएगा 16 के इक्वल। इसका मतलब इसके जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके 16 सबसेट्स बनेंगे। तो अब हम इसके सबसेट्स फाइंड करते हैं। सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, पिछले लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। कैसे फाइंड करते हैं जी, ए क्रॉस बी के सबसेट्स कैसे होंगे, पहला हो जाएगा R1, ये किसके इक्वल आएगा, खाली सेट के, क्योंकि सबसेट हमेशा पहले खाली सेट होता है। इसके बाद आता है जी R2, R2 क्या आएगा, पहला एलिमेंट जो है 1 एंड 3। R3 क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट वो है 1 एंड 4। R4 क्या आएगा जी, थर्ड एलिमेंट 2 एंड 3। R5 क्या आएगा, फोर्थ एलिमेंट 2 एंड 4। R6 क्या आएगा, R6 आएगा, पहले चारों एलिमेंट्स अलग-अलग लिख लिए, फिर पहले को तीनों के साथ अलग-अलग लिखना है। पहले आ जाएगा 1, 3, फिर 1 एंड 4। R7 क्या आएगा जी, 1, 3 और 2, 3, 1, 3, 2, 3, R8 क्या आएगा 1324 R9 क्या आएगा। अब देखें यहां पे 13 को 1, 2 और 3 तीनों के साथ सेपरेटली लिख लिया। अब 2 को इन दोनों के साथ लिखेंगे, ये आएगा जी 1, 4, 2, 3। इसके बाद R10 क्या आएगा जी 1, 4, 2, 4। R11 क्या आएगा 2, 3, 2, 4। R12 आएगा जी, पहले 2 को करके लिखा था, अब फिर पहले तीनों को लिखेंगे 1, 3, 1, 4, 2, 3। R13 आएगा जी 1, 3, 2, 3, 2, 4। R14 आएगा जी 1, 4, 2, 3, 2, 4। R15 आएगा जी 1, 3, 1, 4, 2, 4। R16 है जी 1, 3, 1, 4, 2, 3 and 2, 4। इतने सबसेट बन गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and last 16। ये तमाम के तमाम जो सबसेट्स हैं ये बताते हैं कि ये बाइनरी रिलेशन है A से B तक का जी। तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है, इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और इसकी हमने एग्जाम्पल के साथ वजाहत की है। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह निगहबान।